ये बात सही है कि तारीख 8/5 को एक गुना रजिस्टर हुआ था। उसमें एक महिला फिरियादी ममता विक्की राखड़े जैताड़ा के रहने वाले, वो जैताड़ा से झांसी रानी चौक आने के लिए बैठे थे ऑटो रिक्शे में। वहाँ से उतर के उनको रेलवे स्टेशन जाना था, तो उनको एक ऑटो वाले ने बोला कि आप उतरे हैं तो आपके दागिने वगैरह चेक किया क्या? फिर बाद में उसने चेक किया तो उसको ध्यान में आया कि उसके मंगलसूत्र और चेन लॉकेट और चांदी के जोड़वे की जो पर्स में रखा था वो नहीं है। तो फिर वो रिपोर्ट देने के लिए आई बर्डी पुलिस स्टेशन में। बर्डी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद बर्डी की डीबी स्क्वाड संतोष कदम, ज्योत्सना भावसार और ये सब, कविता जगताप, ये महिला टीम, ये गौतम मुंडे भुयर, और ये इन्होंने पूरा सेंडे, चेतन सेंडे और सभी महिला, रश्मि मोना, और इन्होंने फिर एक टीम हमने बना दिया उनकी, और इन्होंने पूरा जांच किया। तो जैसे जैसे वो जांच करते रहे, वो आरोपी की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई, और उसमें आरोपी अंजना भाई अशोक हतागड़े और बायना भारत नाड़े, ये अजनी झोपड़पट्टी टोली के लोग निष्पन्न। उसके बाद में हमने माननीय सीपी साहब और माननीय ज्वाइंट सीपी मैडम, इनकी परमिशन लेकर वहाँ पर आरसीबी पदक भेज के और लोकल पुलिस अजनी पीआई इनकी मदद लेके ये लोगों को ताबे में लिया। जैसे कि अजनी पुलिस स्टेशन के दरम्यान झांसी रानी चौक और जो Zone 4 ऑफिस है अजनी का, उस दरमियान उनको ऑटो में से जाते जाते ताबे में लिया और उनको उनको उनकी पहचान किया, और पहचान करने के बाद में फुटेज और उसने उसकी जांच की और उनके पास में चौकसी किया। तो चौकसी में उन्होंने पुलिस को एक लॉकेट और चांदी का जोड़वे उन्होंने कबूल जो चोरी करके जो रखे थे उनके घर में, उनके घर वालों ने हमारे पास में लाके हाजिर किया है। इनमें गुने ओपन हो सकते हैं, हमारे पास में इसके पहले भी कुछ गुने हैं, और जैसे कि इस सिटी में, नागपुर सिटी में उन्होंने अगर इस कुछ गुने किए हैं तो उनको हम हैंडओवर करेंगे उनके पास में संबंधित पुलिस स्टेशन में। इनके तरफ से हमने 41,000 का मुद्देमाल, सोने के लॉकेट और चांदी के गहने, चांदी के जोड़वे हस्तगत किए हैं, और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है आजनी, गणेशपेट और सीताबर्डी में।